केदारनाथ से नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल जीत के बाद देहरादून पहुंची थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से शासकीय आवास पर मुलाकात की, तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटियाल ने ये कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत विधायक शैला रानी के आकस्मिक निधन के बाद से केदारनाथ की जनता का पूरा ख्याल रखा है। नवनिर्वाचित विधायक ने ये कहा कि उनका कार्य है कि जो घोषणाएं सीएम ने केदारनाथ के लिए की है वो सभी समय रहते हुए धरातल पर उतर सके। वहीं देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ कि जितना समय वहाँ पर विधानसभा खाली रही है उन्होंने एक विधायक के रूप में वहाँ की जनता की सेवा की है, और जो भी ज़रूरतों को लोगों ने उनके पास पत्र के माध्यम से ले गए, जो भी वहाँ की विकास योजनाएं थी उन योजनाओं को उनके पास ले गए, उन्होंने उन योजनाओं पे घोषणाएं भी की और उनके शासनादेश भी जारी कर दिए हैं, कुछ योजनाओं के टेंडर भी निकल चुके हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका पूरा ध्यान केदारनाथ विधानसभा और केदारनाथ यात्रा के लिए, वहाँ के जो बेरोजगार लड़के हैं उनके लिए, जो यात्रा से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं उन पे उनका पूरा पूरी तरह से ध्यान है, तो निश्चित तौर पर वो घोषणाएं का शासनादेश जारी हो चुके हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी पर उनको धरातल पे उतारूं, उन सभी कामों को लोगों को समर्पित करूं। मेरा निरंतर प्रयास रहेगा एक जनप्रतिनिधि के नाते, एक सेवक के नाते।